नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारा चैप्टर नंबर 19 रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। रोड सेफ्टी एजुकेशन में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक जो सवाल आएंगे वो आएंगे एपी पे आधारित, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी जो समांतर श्रेणियों पे आधारित सवाल आएंगे, जिनकी हमने भरपूर चर्चा कर ली, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हमने देख ली और उनका सॉल्यूशन हमने देख लिया। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरह से देखना है। सेकंड जो इसका पॉइंट था, ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे और किस तरह के सवाल आएंगे, कौन सा मेथड उनमें यूज होगा और कब हम पहचानेंगे कि अब हमें हाइट पता करनी है या बेस पता करना है या फिर इसका जो कर्ण है हाइपोटेनस पता करना है, इन सब, या कब सहन लगेगा, कब पेन लगेगा, इन सब बातों की आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं ये वीडियो स्टार्ट या पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स, आपको ये बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में वीडियो देखें। चंद समय पश्चात हमारे फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, तो जब से फॉर्म यदि अप्लाई हो गए तो एग्ज़ाम का होना डेफिनेट हो जाएगा और उसकी जो डेफिनेट डेट है वो भी आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ लोगों के अभी भी मन में भ्रांति है कि एग्ज़ाम नहीं होगी और मतलब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। इस बात को थोड़ा सा सीरियस लें, पढ़ाई आपका सबसे बड़ा कुंजी है, गहना है, आपका दृश्य है, परिदृश्य है, दर्पण है, आपकी पहचान है। योर इंट्रोडक्शन, योर आइडेंटिटी इज योर एजुकेशन, आपकी शिक्षा ही आपकी पहचान है, उसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ आपको बताना ये भी चाहूँगा मैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर मंथ में आप सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक को स्कूल में मंगवा कर उसे चेक करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ईच स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब बैठेगा, फॉर्म भर फिलअप करेगा, क्योंकि अब की बार जो हाफ ईयरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड टेस्ट जो हमारे नहीं हुए हैं, तो उसकी जगह एक सिंगल एग्ज़ाम और प्लस आपका असेसमेंट जितना भी है, जो भी होमवर्क आपने किया है उसके आधार पर मार्क्स देने का हो सकता है प्लान, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो टाइम है वो इस तरह के जजमेंट होंगे, जैसे कि लास्ट जो एग्ज़ाम्स आपने क्लियर किया, जैसे आपने 9th क्लास पास की तो वहाँ पर भी लास्ट एग्ज़ाम नहीं हुई थी, उसका भी यही आधार रखा गया था कि पीछे वाले मार्क्स प्लस असेसमेंट था, तो वो असेसमेंट आपका होगा, आपका होमवर्क होगा, आपकी कॉपी में टीचर के साइन होंगे, सील लगेगी, तभी आपको उसके मार्क्स मिल पाएंगे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, होमवर्क कंप्लीट रखें, अच्छी तरह करें, पूरा होमवर्क करें, डेली पढ़ाई करें, डेली वीडियो देखें, मेहनत करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। इन सब बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करना चाहेंगे कि आज हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम था रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन हमारे चैप्टर का नाम था और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्याएं कह दो या सवाल कह दो। ठीक है, दूरी पे आधारित या दूरी पर आधारित समस्याएं, हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड डाउट्स पढ़ेंगे।
एक एग्जांपल लेता हूं और फिर वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स होती है और वहां पर कैमराज भी होते हैं। इतने जो कैमरे में कोई भी यदि सिग्नल तोड़ता है, रेड लाइट में से गुजरता है, यातायात नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उससे उसकी फोटोग्राफ के आधार पर उसके प्रति अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक हमारा पुल है, ठीक है, और इस पोल पर इस प्रकार से कैमरा यहां पर सेट है। चलो थोड़ा सा अलग वे में आपको बताता हूं। ऐसे यहां कैमरा लगा हुआ है, ओके, और इधर हमारा ये हमारा पाथ है, ओके। ये इधर से हमारा सड़क है, पाथ है, रास्ता है, और इसके किनारे एक कैमरा लगा है। ये कैमरा इधर से आने वाले गाड़ी जितने भी वाहन उन सबको देख रहा है। कोई भी यदि यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसकी दृष्टि इस प्रकार है, यानी ये यहां तक आने वाले सभी गाड़ी को देख सकता है, तभी जगह जगह कैमरा लगाते हैं। ऐसे नहीं कि एक कैमरे से पूरी सड़क दिख रही है, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित एरिया होता है जहां पर वो कैमरा नजर रख सकता है। तो आप देखिए, ये राइट एंगल बन गया, समकोण बन गया। इसको यदि आप पुकारें, बात करें, कहें कि आधार है और इसको कहें कि ऊंचाई है, ठीक है, ये एक्चुअल में कर्ण है। तो ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल में क्या आएगा, किस तरह से सवाल आएगा, एक एग्जांपल बोलता हूं। हमें कहें कि एक 10 मीटर ऊंचे पोल पे लगे यातायात कैमरे से या सीसीटीवी कैमरे से 50 मीटर दूर स्थित वाहन को देखा जा सकता है। देखिए, मैंने बोला कि 10 मीटर ऊंचे पोल पे लगे सीसीटीवी कैमरे से 50 मीटर दूर दृष्टि रेखा है, इसे अपने पढ़ा था चैप्टर, उसमें दृष्टि रेखा है, जिस रेखा में हम देखते हैं उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, 50 मीटर तक देखा जा सकता है। समझ में आ गई? तो बताइए पोल के आधार से कितनी दूरी तक वाहन देखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कुछ कैमरे होते हैं वो पोल के चारों ओर घूमने वाले होते हैं। अब सपोज करिए ये हमारा कर्ण हो गया 50 और ये है 10, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया और 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो गया, घटाया 2400 का रूट हमने निकाल लिया, जो भी आया आंसर वो आ गया कि आप पोल के आधार से इतनी दूरी तक उस वाहन को साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक है सर। बट आगे आप देखिए क्या था कि यदि ये कैमरा पोल के चारों ओर घूमने की स्थिति में, ऐसे कैमरे होते हैं जो चारों ओर घूम के देख सकते हैं आजकल, तो ये आधार जब ये कैमरा यू चारों ओर घूमकर नजर रखेगा तो ये आधार इस प्रकार से उस पोल के चारों ओर जितनी जगह में देखेगा वो भाग उस पोल के चारों ओर एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त। और ये आधार उस वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करेगा। ये तो आपको समझ में आ गया अभी।
मैंने कहा पोल के आधार से कितनी दूरी तक हम यातायात देख सकते हैं, तो आप कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूज करेंगे, तो इसकी आपको दूरी पता हो जाएगी। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया साथ ही साथ कि घूमने वाले कैमरा होता तो कितने क्षेत्रफल में वो कैमरा निगरानी रख सकता है। तो ये आधार उस घूमने वाले कैमरे के लिए जो वृत्त बनेगा, जितने एरिया में वो देख सकता है, निगरानी रख सकता है, उसका ये आधार त्रिज्या का काम करेगा। तो हम जैसे मान लो इसका रिजल्ट आएगा, यहां देखिए इसको नाम देता हूं मैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको सी को इसमें जोड़ना, इसे जोड़ लेना सी। ओके, तो आधार जब आप ए बी ज्ञात करेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आएगा और का अंडर रूट, ए सी 50 का स्क्वायर और बी सी 10 का स्क्वायर। 50 का ये हो गया, इसका ये हो गया और 2400 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ये एड थ्री जा यानी ये 2√6 हो जाएगा, यानी 6×6=24 होता है, तो 2√6 यानी 20√6 इसका आंसर आ जाएगा। कोई पूछे आगे और चाहिए तो मैं बता दूं, इसको 24 को 4×6 लिख दिया मैंने और ये 2 0 7 में उनको 100 लिख दिया, इनका वर्गमूल करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा और 100 × 10 हो जाएगा और 6 का होगा नहीं तो अंदर रहेगा, तो 20√6 ये आ गया हमारे पास, ये भी आधार आ गया। यानी भाषा में लिख देंगे कि 20√6 मीटर आधार से दूर या दूरी तक यातायात को देखा जा सकता है। फिर यदि घूमने वाला कैमरा होता तो ये उस घूमने वाले कैमरे के द्वारा बनने वाले वृत्ताकार भाग के लिए, वृत्ताकार भाग के लिए त्रिज्या का काम करता 20√6। तब वो एरिया जहां पर कैमरा निगरानी रख सकता है वो एरिया हम पता करते तो वो पाई आर स्क्वायर होता। पाई का वैल्यू 22/6 रखते ही आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जब मैं करता तो वापस आपको पता कितना आता, 2400 आता, ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 00 और 24 2 = 48 जो इधर 48 4 52 48 4 52 और बटे 7, इतने मीटर स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, यातायात को देख सकते हैं, इतने वृत्ताकार क्षेत्र में यातायात देखा जा सकता है। इस तरह का कभी पोल की ऊंचाई पूछेगा, कभी दृष्टि रेखा की दूरी पूछेगा, कभी आधार से दूरी पूछेगा और फिर कभी कितने क्षेत्रफल में देखा जा सकता है, इस बात के बारे में आपको जानकारी चाहेगा। इस तरह के सवाल जो हाइट और डिस्टेंस में बनते हैं, कुछ सवाल जो बुक में हैं, ऐसे सवाल मैं आपको एक बार मैं रीडिंग लगाता हूँ, आप सुनिएगा और उनको बोर्ड पर हम करते हैं। अब हम बात करें आगे, इसमें देखना चाहें तो देखिए, तो डाउट है, एक रेलवे स्टेशन पर एक खंभे के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंभा है, उसके आधार से 30 मीटर दूर ये पोल हो गया, इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से इस पोल के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बताया, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे h मान लेते हैं, h मीटर होगी और नामकरण हम कर ही देंगे, कोई भी जो आपकी मर्जी p q r या a b c जो भी करना है। तो यहां पर आपको समझाया था मैंने, एक बार फिर से एक डायग्राम लेकर बताता हूं कि जैसे ये वाला कोण अपने को पता होता है, तो ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण है, इन दोनों के बीच में यदि लंब देकर कर्ण पूछे या कर्ण देकर लंब पूछे तो यहां पर साइन का
फलन फंक्शन हम यूज करेंगे। यहां देखिए आपको कर्ण देकर आधार पूछे या आधार देकर कर्ण पूछे तो हम कोस को यूज करेंगे, और लंब देकर आधार पूछे आधार देकर या लंब पूछे तो यहां पर हम टेन यूज करेंगे। यानी हम बेसिकली बात करें तो साइन कोस और टेन इन तीनों के फॉर्मूलाज से हमारा सफिशियंट काम हो सकता है। ये लाल बट्टा कक्का आपको याद रखना होगा, यानी साइन इज इक्वल लंबाई, लंब बटे कर्ण है, यहाँ आधार बटे कर्ण है और लंब बटे आधार है। ये तीनों हमें फंक्शन अच्छी तरह से याद रखने हैं। हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर था उसमें भी इनका बहुत अच्छा यूज है, एप्लीकेशन है, उपयोग है, अनुप्रयोग है, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमें आधार देकर लंब पूछ रहा है, यानी आधार देकर लंब पूछे या लंब देकर आधार पूछे तो हमारे पास टेन ऑप्शन बचता है। तो हम लिखेंगे ज्यादा लंबी चौड़ी भाषा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने चित्र बना लिया और समकोण त्रिभुज जो नाम है वो पी क्यू आर हो गया, और उसमें क्या होना है कि टेन थर्टी इज इक्वल लंब जो है हमारा एच है, आधार तीस है, टेन थर्टी का जो वैल्यू है वो 1/√3 है, इज इक्वल एच बाई थर्टी हो गया, और इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाऊंगा तो H√3 इज इक्वल 30 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करें तो वैल्यू ऑफ H इज इक्वल 30/√3, इतना मीटर हम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अक्सर हमें जो आंसर देना होता है वो उसमें जो हर है नीचे की संख्या वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसका रेशनलाइजेशन करना चाहिए, परिमेयकरण करके देना चाहिए। तो जैसे ही रूट में पड़ी उसको उसी से अप साइड में डाउन साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेम नंबर रूट में खुद से मल्टीप्लाई होती है तो वहां रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, और यहां पर एच की जो वैल्यू आएगी वो 30√3/3 आएगी, और इसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 10√3 इज द फाइनल आंसर, इतना मीटर इसका फाइनल आंसर है। और इस तरह से हमें जो डाउट मिला था कि एक प्लेटफॉर्म पर एक पोल की चोटी पे कैमरा लगा है, पोल के आधार से 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उस कैमरे का उन्नयन कोण वो है 30 डिग्री है, तो पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस लाल बट्टा कक्का से सवाल किया गया है। आगे नेक्स्ट सवाल पढ़ता हूँ। एक स्ट्रीट लाइट के साथ 25.5 मीटर ऊंचे एक खंबे के साथ एक कैमरा खंबे से 24 मीटर की दूर खंबे से 24 मीटर दूर 1.25 मीटर लंबे व्यक्ति की आंख पर एक पर कैमरे का उन्नयन कोण जो हमें दिया गया है ज्ञात करना, सॉरी वो ज्ञात करना हमें, यानी डाउट इस तरह से है। जरा मैं इसको हटाता हूँ। पच्चीस पॉइंट पांच मीटर 2.5 इतना ऊंचा तो क्या है कि कैमरा लगा है, स्ट्रीट लाइट के साथ एक कैमरा लगा है, और इधर एक 1.5 मीटर ये लो 1.25 मीटर का एक आदमी, आप देखेगा तो आदमी का सिर यहां पर होगा तो दृष्टि रेखा इन उन्नयन कोण यहीं से बनेगा, और वो हमें मालूम नहीं है। ये टोटल जो उसकी हाइट है यहां जमीन से वो 25.25 है, तो ये 1.25 कम कर देंगे तो ऊपर जो बची है, ये जो बची है जो इस त्रिभुज के मान लो कि आप ये कहो कि ऊंचाई के रूप में या लंब के रूप में काम में आएगी, वो सिर्फ 24 ही बची है। क्यों बची है 24? कि यह 25.25 में से 1.25 माइनस करेंगे क्योंकि ये पार्ट नीचे रह गया, जहां से देख रहा है वहीं पर आधार काउंट होता है, यहां पर आधार काउंट होगा यानी नीचे का भाग कम हो जाएगा। तो 25.25 में से 1.25 घटाया तो 24 बच गया कंप्लीट। और यहां हमें दूरी दी है, कितना दूरी है 24 गिवन है, खंबे से इस खंबे से 24 मीटर दूर स्थित है ये, खड़ा है ये व्यक्ति, तो आधार हमें 24 मिल गया, और इसकी जो
ऊंचाई है जो त्रिभुज में काम में आएगी वो भी कितनी होगी, 24 होगी। वैसे बेसिकली मैं ओरली आपको बताना चाहूँ, जिसका लंब और आधार सेम होता है उसका थीटा ये और ये दोनों 45-45 के होते हैं। फिर भी मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, आप नोटबुक में कैसे लिखोगे आंसर के रूप में वो देखिए। तो आप यहाँ पर भाषा में लिख देंगे, पूरा डायग्राम बना दिया तो आप ये लिख देंगे चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए, और इस बिंदु का नाम बी, और इस बिंदु का नाम सी, और ये त्रिभुज है चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बराबर 25.25 माइनस 1.25 बराबर 24 मीटर। आइए समझ लें, और दूसरा है कि बी सी, यहां लिख देता हूं, बी सी है वो डायरेक्टली हमें 24 मीटर गिवन है, समझ में आ गई। आता है हम लगाते हैं यहां पर टेन थीटा, लंब और आधार की बात हो रही है तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का वैल्यू तो हमें नहीं गिवन है पर लंब हमने देखा कितना है, 24 है, 24 है, और आधार भी 24 है, तो इसका रिजल्ट आ गया वो एक आ गया, 24 बटा 24 कितना आ गया, एक आ गया। यस, कुछ लोग यहां पर डायरेक्टली भी लिख देते थे, आता है थीटा बराबर 45, बट इसको एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं आप चाहो तो, यहां इधर टेन थीटा ही रखेंगे, उधर एक की जगह 10.45 रखते हैं, यानी 10.45 का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 रखो यार, 10.45 एक ही बात है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल 45, ये इसकी वैल्यू रहेगी, समझ में आ गई। इस तरह से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट डाउट इसी तरह का सेम, इसी तरह का, इसको आप खुद सोल्व करेंगे, उसके आगे बात करते हैं हम, अपनी बुक में पढ़ें क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। तो एक सवाल है हमारे पास में, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर, जो मैंने स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में 50 लिखा था ना, उसके लिए बोल रहा है, और कैसे बोल रहा है वापस पढ़ रहा हूँ कि पोल के शीर्ष से, यानी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है तो पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा, यानी ये दृष्टि रेखा, कैमरा यहां लगा है तो इधर देखेगा, जिस दिशा में जिस रेखा में देखता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है, यानी 13 मीटर रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है। यानी सपोज करिए ऐसी स्थिति भी आती है, वो भी आपको समझाता हूं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कैमरा थोड़ी हाइट पर है और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया यहां पर देखने के लिए, तो यहां कुछ भाग ऐसा बसता है पोल के चारों जिसमें कैमरा नहीं देख पाता, एक दूरी होती है उसके आगे से देख पाता है, तो वो कह रहा है ये कैमरा है वो यहां से दृष्टि रेखा तो इधर होगी, ये 13 होगी और 12 मीटर ऊंचा था तो कुछ दूरी के आगे से देख पाता है, ये जो डिस्टेंस है यहां नहीं देख पाता है, इसके आगे से देख पाता है, तो हमें क्या करना है, पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी, यानी पोल का पैर ये हो गया, इसके इससे एक दूरी हमें ज्ञात करनी है जिसके आगे से यातायात देखा जा सकता है, यहां तक तो देखा नहीं जाएगा क्योंकि जब अपन जस्ट खड़े हैं, मान लो अपन किसी पोल पे खड़े हैं तो हम जस्ट उसके पोल के जहां पर पाद है पैर है वहां पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हम एक तिरछी रेखा में एक स्लेंट डायरेक्शन में हम उसको देखने की कोशिश करते हैं और वही हमें ऑब्जर्व होता है। तो आगे आप देखेंगे कि पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधन करने में उपयोगी है, यदि हाँ तो कैसे, तो इन सब का जवाब आपको भी देता हूं मैं।
वो अभी बनाया वैसे ही डायग्राम बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कैमरा लगा है, ओके, और इधर एक दृष्टि थोड़ा सा दूर चला, कोई बात नहीं, जाना जैसे डायरेक्शन अकॉर्डिंग कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं। ये 12 मीटर हमें दिया गया है और ये 13 मीटर हमें दिया गया है। ये कोण हमें मालूम नहीं, इसको थीटा लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं गिवन होती हैं तो थर्ड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें थीटा की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पर। हम क्या कहेंगे कि इतनी डिस्टेंस जो भी है इसमें जो कैमरा है वो देख नहीं पाता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी तो आगे देखेगा, नीचे वाला पोल के जस्ट सराउंडिंग में जो पार्ट है, नियरेस्ट जो पार्ट है उसमें विजिबल नहीं है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर नहीं देख पाता है, तो इतनी दूर में नहीं देख पाएगा। इसको चाहो तो एक्स मान लो, और जरूरत नहीं एक्स मानने की, आप चाहो तो उसका नाम दे दें हम, ए बी सी इसका नाम हो गया, यानी बी सी डिस्टेंस में नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर लिख दें हम इसकी भाषा, पोल की ऊंचाई, एच, या जिसे हमने यहाँ पर ए बी लिख रखा है वो 12 मीटर थी, और दृष्टि रेखा जो हमने यहाँ पर कर्ण दर्शा रखा है, दृष्टि रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, यानी जो ए सी हो गई वो है 13 मीटर, और आधार कहूं या फिर अदर्शनीय जो दूरी है जिसे हमने बी सी कह रखा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी इज 13 एंड ए बी इज 12, 169 माइनस 144 इज इक्वल 25, ये बी सी स्क्वायर का वैल्यू है और बी सी इज 5 मीटर हो गया, क्लियर है, बी सी 5 मीटर। यहाँ यहाँ से पोल के आधार से पास से 5 मीटर की दूरी तक कैमरा देख नहीं पाता, वो अदृश्य स्थल है और वो उसके चारों ओर ही रहेगा। तो चारों ओर निकालेंगे तो ये उस चारों ओर का मतलब वृत्ताकार भाग में एरिया बनेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा जिसमें कैमरा देख नहीं पाता है। तो वहां पर ये जो बी सी है उस वृत्त के सॉरी त्रिज्या को डिनोट करेगी, त्रिज्या को निर्देशित करेगी, तो वहां पर हम उसका एरिया भी पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि वह दूरी जिसके आगे से देख सकता है वो तो आ गया हमारे पास में 5 मीटर के आगे से, लिख देंगे आगे कि अतः कैमरा 5 मीटर पोल के आधार से 5 मीटर दूरी से 5 मीटर की दूरी के आगे से देख सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा कि वृत्ताकार अदर्शनीय क्षेत्रफल वो हो गया पाई आर स्क्वायर और आर रेडियस है जो 5 जो हमने निकाला है वो त्रिज्या काम करेगा, तो ये हो गया 25, 25 दूना 50 और 50 5 55 और बटे 7 और मीटर स्क्वायर, इस ये अदर्शनीय क्षेत्रफल हो गया उसके चारों का। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधन करने में उपयोगी है, यदि हाँ तो कैसे? आप कहेंगे यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहेंगे हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधन करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कि जब भी कोई व्यक्ति यातायात नियमों को तोड़ता है
तो उसकी जो फोटोज़ है उस कैमरे में आ जाती है, उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो आ जाती है, उस नंबर प्लेट के आधार पर उस व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, ओनर को पहचाना जा सकता है, किसकी गाड़ी है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके आधार पर उसको हम यदि उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और आगे से इस तरह से कार्रवाई होती है तो लोगों में इस तरह की भावना होती है कि हमें कोई नहीं देख रहा, चाहे पुलिस का व्यक्ति नहीं खड़ा है पर ये कैमरा हमें देख रहा है, तो हमें गलती नहीं करनी है। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने 2-3-4 महीने या 1-2 साल तक कैमरा एक्टिव था और सक्रिय था और चालू था, और उस समय यदि किसी ने उसका उल्लंघन किया, नियमों का पालन नहीं किया, तो उसके विरुद्ध यदि कार्रवाई हो गई, तो यदि किसी दिन कैमरा बंद भी है तो लोगों के दिमाग में यही रहेगा, नहीं कैमरा हमें देख रहा है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है प्रबंधन में और अनुशासन बनाने में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ढंग से पढ़ें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।